क्या आपने कभी सड़क पर यमराज को घूमते देखा है? अगर नहीं देखा तो अंबाला की सड़कों का एक चक्कर लगा लें। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों यमराज सड़कों पर घूमते दिखाई दे जाएंगे। काले, सफ़ेद, भूरे और अन्य कई रंगों के ये यमराज कई इंसानी जिंदगियों को खराब कर चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनसे निपटने के कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। अंबाला में आवारा पशुओं के रूप में सड़कों पर विराजमान इन यमराजों पर किसी का बस नहीं चलता, लिहाजा जनता परेशान है और प्रदेश सरकार से आस लगाए बैठी है कि शायद वो उन्हें इन यमराजों से छुटकारा दिला सके। अंबाला में सड़कों पर आए दिन आवारा घूमते पशु किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेते हैं, जिसके कारण आम जनमानस बहुत परेशान है। अंबाला में आवारा सांडों की टक्कर से घायल लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं और उनके परिजन सरकार के नुमाइंदों को कोस रहे हैं। हमारे कैमरे में कैद तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अंबाला की सड़कों पर सांडों और अन्य जानवरों ने अपना आतंक फैला रखा है। इनके आतंक के शिकार लोगों को ये यमराज के दर्शन करवा देते हैं। लोगों की माने तो यह वह आवारा जानवरों से बहुत परेशान हैं। कई बार प्रशासन से अनुरोध किया जाता है, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं भी नहीं रेंगती यह आवारा पशु नगर की मुख्य सड़कों पर सरेआम अपना आतंक मचा रहे होते हैं और आने जाने वाले वाहन चालक और बुजुर्ग इनका शिकार हो जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसा ही एक वाकया उनके पिता के साथ भी बरपा, जब घर आते एक सांड ने उन्हें टक्कर मार दी और वे कितने वर्षों से बिस्तर पर पड़े हैं। सरकार को चाहिए कि वे आवारा जानवरों के रखरखाव का इंतजाम करे या इनके मालिकों पर भारी जुर्माना लगाए। मेरा नाम रमन कुमार शर्मा है। आवारा जानवरों ने इतना बुरा हाल कर रखा है, आप कोई भी सड़क पे निकल ही नहीं सकते। हर सड़क पे 8-10 आवारा जानवर मिलेंगे आपको। कुछ लोग तो अपने जानवरों का दूध निकाल लेते हैं और जानवरों को खुला छोड़ देते हैं। वो ट्रैफिक ऐसे जाम करते हैं मैं बता नहीं सकता। और सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्चती है, बड़े बड़े स्मारक बनाती है, पार्क बनाती है, लेकिन आवारा पशुओं को रोकने के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। हमें ये समझ नहीं आ रहा वो सरकार की पॉलिसी है क्या। आवारा जानवरों ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। मैं कहता हूँ इतना बुरा हाल है कि मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मेरे फादर को एक आवारा जानवर ने मार दिया था और वो आज तक मरने की कगार पे हैं। मेरा 15-20 लाख रुपया लग चुका है और कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। बहुत बुरा हाल जानवरों ने कर रखा है। मैं कहता हूँ मेरी सरकार से यही मांग है कि कम से कम हमें पावर दे के देख लो, 2 दिन के अंदर अंदर हम आवारा जानवरों को कोई जगह दे दो। हमें हम पशुओं को काबू करके दिखा देते हैं। 20-20 करोड़ रुपया सरकार खर्च सकती है, बड़े बड़े स्मारक बना सकती है, उल्टे पुलटे खर्चे कर सकती है। देश की आर्थिक नीति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, फिर भी सरकार खर्चे करने में जो है बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रही। आवारा जानवरों को कितना खर्चा आता है कंट्रोल करने के अंदर। जगह हमें दे दो, हम कंट्रोल कर देंगे जानवरों को। थोड़ी सिक्योरिटी हमें दे के दिखा दो। 2 दिन में अंबाला कैंट में एक भी जानवर नजर नहीं आएगा। नगर परिषद द्वारा आवारा पशु पकड़ने के लिए टेंडर ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन हमारे लिए समस्या तभी उत्पन्न हो जाती है जब हम लोग आवारा पशु पकड़ के जो किसी गौशाला को हम लोग हैंड ओवर करते हैं, तब गौशाला वालों के पास जगह ना होने की वजह से हमारे ये कार्य बहुत ही स्लो प्रोसेस में आ जाता है। सर, जो भी पशु हम लोग पकड़ते हैं वो गौशालाओं में हैंड ओवर करते हैं, वो उसके तरीके से उसको वापस ना करने की हिदायत देते हैं और या फिर उसके ऊपर बहुत मोटा जुर्माना लगा के ही उसको पशु को छोड़ा जाता है। तो इसके लिए कंटिन्यू अवेयरनेस भी करी जा रही है, मुनादी भी करी जा रही है कि भाई कोई अपने पालतू पशु जो है, दुधारू पशु जो हैं, अपने जो उनके अपने खुद के पशु हैं वो सड़कों पर ना छोड़ा जाए।